गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी पूजा मैम आप सभी का शांति कुछ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हिंदी की क्लास है और हिंदी की क्लास में आज हम सीखेंगे महीनों के नाम। स्टूडेंट्स, आपको पता है ना कि साल में कितने महीने होते हैं? कितने होते हैं बच्चों? 12। 12 महीने होते हैं, साल के 12 महीनों में होते हैं। और आपको ये भी पता है 12 महीनों में मई और जून में आपकी क्या होती है? गर्मी की छुट्टी भी होती है ना। तो बच्चों, ये महीने आपको ऐसे तो पता है, लेकिन इनको आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, आज मैं आपको वही सिखाऊंगी कि आपको ये किस प्रकार से आप हिंदी में किस तरह से आप लिखेंगे, कौन सी मात्राएँ लगाई जाएंगी। तो चलिए सब लोग फोकस कीजिए मेरी तरफ और ध्यान दीजिए कि मैम किस तरह से सिखा रही हैं। तो बताइए, साल का सबसे पहला महीना कौन सा होता है बच्चों? जनवरी। क्या होता है? जनवरी। जनवरी कैसे लिखेंगे? ज न जनवरी। व रा, रा में बड़ी की मात्रा, जनवरी। ठीक है, उसके बाद कौन सा महीना आता है अभी जो चल रहा है आपका? फरवरी। इंग्लिश में अलग तरीके से बोलते हैं, हिंदी में अलग तरीके से बोलते हैं। इंग्लिश में जनवरी को जनवरी बोलते हैं, फरवरी को फेबरी बोलते हैं। बोलते हैं तो फरवरी कैसे लिखेंगे? फ रा व रा, और रा में कौन सी मात्रा? बड़ी की मात्रा, फरवरी। उसके बाद जो आगे महीना आएगा जिसमें होली होगी, वो कौन सा महीना होगा? मार्च का। तो मार्च कैसे लिखेंगे? मा, मा में अका डंडा, च, च में र की मात्रा, रा। तो क्या हो गया? मार्च, मार्च। ऑलराइट, उसके बाद देखिए मार्च के बाद कौन सा महीना आता है जब आपके स्कूल नई क्लासेस शुरू होती हैं, नई क्लासेस में आप जाते हैं? अप्रैल। तो अप्रैल कैसे लिखेंगे आप? आ, छोटा आ, प, प में री की मात्रा, और इसमें कैसी आय की मात्रा आएगी? अप्रैल, ए, ए, ए की आवाज आ रही है ना, तो आ, पा में आय की मात्रा और नीचे र की मात्रा और ला, अप्रैल। ठीक है, अप्रैल के बाद क्या आता है? मई। मई, मई में जब आपकी गर्मी की छुट्टियां पड़ जाती हैं तो मई बहुत आसान है, मा और बड़ी ई, मई। उसके बाद जून, जून जिसमें आपका पूरे महीने स्कूल बंद रहता है, तो जून में जा, जा में कौन सी मात्रा? बड़े ऊ की मात्रा और ना, जून। जून के बाद जुलाई, जा, जा में छोटे ऊ की मात्रा, ला, ला में आकर डंडा और बड़ा ई, जुलाई। उसके बाद अगस्त, अगस्त में छोटा आ, ग, आदसा और ता से तरबूज, अगस्त। तो ये हो गया अगस्त। फिर अगस्त के बाद, अगस्त के बाद आता है सितंबर। स, स में छोटी ई की मात्रा, ता से तरबूज, अदमा, ब और र, सितंबर। सितंबर के बाद अक्टूबर। अक्टूबर कैसे लिखेंगे आप? छोटा अ, आधा क, ट, टा में बड़े ऊ की मात्रा, ब और र, अक्टूबर। उसके बाद क्या लिखेंगे? नवंबर। नवंबर कैसे लिखेंगे? ना, व, आधा म, ब और र, नवंबर। और फिर आखिर में क्या आता है बच्चों? दिसंबर। द, द में छोटी ई की मात्रा, स, अदमा, ब और र, दिसंबर। ठीक है, इस तरह से हमने देखिए पूरे 12 महीने लिख लिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ऑलराइट, देखा आपने? आपको इसी तरह से अपनी कॉपी में भी लिखना है इसको। ठीक है बच्चों, तो ये 12 महीनों के नाम सिखा दिए मैंने आपको, बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देखिएगा और कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए आपके। ये आप, आज मैंने आपको महीनों के नाम यानी कि माह के नाम सिखा दिए। तो हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।